हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में लेके आया हूँ आपके लिए अनबॉक्सिंग। ये देखिए, आज शबनम ने कुछ ऑर्डर किया था मिंत्रा से, तो देखते हैं अनबॉक्सिंग में क्या निकलता है। एक्चुअली इसने बताया नहीं है अभी क्या मंगवाया था, इसने ऑर्डर किया था, तो अभी तो इसको खोल रहे हैं, तो देखते हैं क्या निकलता है अनबॉक्सिंग में। पैकिंग बहुत अच्छी हो रखी थी, जैसे कि अब आप देख रहे हैं डबल पैकिंग हो रखी थी इसमें। देखते हैं क्या निकलता है अनबॉक्सिंग में। एक्चुअली इसने बताया है कि जब मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया तो इसमें डिलीवरी चार्जेस कुछ भी नहीं थे। ये देखिए, इसने कान के लिए झुमके ऑर्डर किए हैं। देखिए किस डिज़ाइन के हैं। वाओ, बहुत ही सुंदर। ये देखिए, इस टाइप के झुमके इसने ऑर्डर किए हैं। अब देखते हैं शबनम पहन के देखेगी इनको कैसे लगेंगे ये उसके ऊपर। बहुत ही अच्छे। अप्रॉक्सीमेटली इसने बताया है कि इसको ये 350 या 400 रुपये में पड़े हुए हैं ऑनलाइन। एक्चुअली ये जैसे कि इसने एक्चुअली ऑर्डर किए हैं पार्टी वियर के लिए। पार्टी वियर के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं इस टाइप की आइटम जब आप ऑनलाइन परचेज करते हैं। मैक्सिमम लोग आजकल पार्टी वियर के लिए ऐसी ही चीज़ें परचेज़ करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग साइट से, क्योंकि डिस्काउंट में रहती है वहाँ पे। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है इनका। और ये देखिए, शबनम कर रही है ट्राई, देखते हैं कैसे दिखते हैं ये। ये देखिए, बहुत ही सुंदर। शबनम के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि ये कितने अच्छे हैं जब इसने ऑर्डर किया था। एक्चुअली दिन के अप्रॉक्सीमेटली 2 बज चुके हैं। ये 2 में अपने घर से हमारे यहाँ आई, क्योंकि जो डिलीवरी बॉय था वो हमारे घर के पास खड़ा हुआ था। तो ये देखिए, बहुत ही सुंदर। और इसके साथ दीदी आज बना रही है मोमो। मोमो बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल मैंने कल दीदी को बोला था कि कल या परसों मोमो बना के हमें खिला देना, क्योंकि ये 1-2 दिन बाद पंडोव वापस जा रहे हैं। तो हम पिछले कल ही मोमो का जो मटेरियल है वो लेके आ गए थे ताया जी की दुकान से। जैसे कि आप देख रहे हैं बंद गोभी है, उसको कद्दूकस कर रहे हैं वो, तो इसको बारीक जो पीसीज हैं उनमें कर लेंगे कद्दूकस करके। और उसके बाद मैं शेयर करूंगा आपके साथ आगे की रेसिपी, कैसे कैसे आप घर में मोमो बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप इसको बारीक कद्दूकस कर लें। यही मटेरियल यूज़ होगा जो मोमो के अंदर स्टफ होगा। एक्चुअली हमने पनीर भी ताजी की दुकान से ले आए हैं, उसको भी बारीक काट के इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। उसके बाद थोड़े और मसाला वगैरह रहते हैं इसमें ऐड करने के लिए। फिर उसके बाद बन जाएंगे आपके मोमो। तो शेयर करूंगा आगे की रेसिपी, किस तरीके से आप घर में मोमो बना सकते हैं। दीदी लगी है मोमो बनाने के काम में और वंदना सिलाई का काम कर रही है। वंदना के पास आए हैं 2-3 सूट सिलने के लिए, तो उन्हीं का काम चला हुआ है और दीदी कर रही है अपना काम। ये देखिए, इस तरीके के कद्दूकस करके जो आपका पत्ता गोभी है इस तरीके की रहेगी। एक्चुअली इसमें पानी भी निकलेगा, वो आपको निकालना पड़ेगा इसमें से। इसके बाद दीदी अब आटा वगैरह गूंथ रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके लिए यूज़ होता है मैदा, जिसके मैंने बताया हम कल ही शॉप से सारा सामान लेके आ गए थे। हमने प्लान किया हुआ था कि हम मोमो बनाएंगे नेक्स्ट डे। ये देखिए, और आगे की प्रोसेस, आटा वगैरह गूंथ के तैयार हो गया और पेस्ट भी बना लिया इन्होंने। तो अब आपको दिखाते हैं कैसे मोमो पैक किए जाते हैं, स्टफ किए जाते हैं, जो छोटी सी चपाती टाइप बनेगी मैदे की। देखिए, छोटी छोटी चपाती टाइप बना रहे हैं। और ये जो मसाला आप कटोरी में देख रहे हैं, ये इसके अंदर स्टफ होगा।
ये देखिए, ये जो मोमो के अंदर जो मटेरियल रहता है, जैसे कि मैंने बताया बंद गोभी है और इसमें पनीर, और जो जैसे कि आपकी हल्दी हो गई और जो मसाले ऐड होते हैं वो सारा मिक्स करके इस टाइप का पेस्ट बनता है। और हमने कॉल की थी बंदू को, वो भी आ गई है अभी हेल्प करने के लिए। ये देखिए, ये है प्रोसेस मोमो बनाने की। आप घर पे ही होटल जैसे मोमो इजीली बना सकते हैं। ये रहे कंटेनर, इनकी हेल्प से मोमो बॉयल होंगे। एक्चुअली अगर आप कंटेनर परचेज़ करने की सोच रहे हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपको 600 या 700 रुपये के जो तीन डब्बे रहते हैं इसके, ये मिल जाएंगे। ये देखिए, इस टाइप से स्टफ कर दिया मोमो का मटेरियल, और ये देखिए ऊपर से इनको कर लिया बंद, और ये देखिए ऊपर से क्लोज कर रहे हैं मोमो को। यही प्रोसेस रहती है, इस टाइप से ही आपके मोमो बनते हैं। और फिर इसके बाद इनको रख देंगे कंटेनर में। ये देखिए एक तैयार हो गया। अब शबनम भी कर रही है कुछ ट्राई मोमो बनाने के लिए, ये कैसे मोमो पैक होते हैं। ये देखिए, एक्चुअली शबनम तो पहले से यहीं थी, क्योंकि इसका जो जैसे कि मैंने बताया पार्सल आया हुआ था, तो हमने इसे यहीं रोक लिया कि हम मोमो बनाने जा रहे हैं, तो आप यहीं पर हैं। शबनम मेरे ख्याल से भूल गई है कैसे पैक करने हैं मोमो। ये देखिए दीदी बता रही है इनको कैसे आप पैक कर सकते हैं मोमो। ऊपर से डिज़ाइन बनते हैं इनके ऊपर थोड़ा सा। ये देखिए बहुत ही इजी प्रोसेस रहता है मोमो घर पे बनाने का, अगर आपके पास कंटेनर वगैरह आपने परचेज करके घर में रख लिया हो तो। बने रही वीडियो के साथ, शेयर करेंगे आपके साथ और मज़ेदार वीडियो क्लिप्स। ये देखिए अब मोमो तैयार हो गए हैं बॉयल करने के लिए। ये देखिए दोनों कंटेनर भर चुके हैं, तो करते हैं अब इनको बॉयल। दिखाते हैं आपको कैसे इनको बॉयल करने का रहता है। ये देखिए वंदना और सब्बू कर रही है दीदी की हेल्प मोमो बनाने के लिए, दो कंटेनर भर के। ये देखिए जो लास्ट का कंटेनर रहता है उसमें पानी ऐड कर सकते हैं, जिसकी स्टीम से ये बॉयल हो जाएंगे, यानी कि स्टीम से भाप से ये मोमो पक के तैयार हो जाएंगे। ये देखिए गैस ऑन कर देंगे, और उसके ऊपर जो मोमो की दो प्लेट्स हैं वो रख लेंगे। ये देखिए, और उसके बाद ढक्कन लगा के इनको रख देंगे चूल्हे के ऊपर। अप्रॉक्सीमेटली 15-20 मिनट लगेंगे इनको अच्छी तरह से पकने के लिए, और फिर करते हैं इसके बाद इनको टेस्ट कैसे ये बने हैं। ये देखिए ताई जी लिफाफे वगैरह लगा रहे हैं, मम्मी बैठे हुए हैं, सभी वीडियो कॉल पे बिजी हैं। और यहाँ देखते हैं जीजा जी गाड़ी साफ वगैरह कर रहे हैं। एक्चुअली जैसे कि मैंने बताया इन्होंने कल या परसों निकल जाएंगे पंडों की ओर, तो जीजा जी ने तो बहुत ज़्यादा सामान गाड़ी से बाहर निकाला, जैसे स्टपनी वगैरह, और साफ कर रहे हैं गाड़ी को। ये देखिए दिन के अप्रॉक्सीमेटली 3 बज चुके हैं, और जीजा जी ने इतना सारा सामान गाड़ी से बाहर निकाल रखा है और कर रहे हैं इसको साफ वगैरह। तो यही आज खास डिश दीदी जी बना रहे हैं मोमो। थोड़ी देर बाद करेंगे टेस्ट कैसे दीदी ने बनाए हुए हैं। ये देखिए बना के मोमो हो गए हैं तैयार, अब हो रहे हैं सभी को सर्व। करते हैं टेस्ट, देखते हैं कैसे टेस्टी मोमो बनाए हुए घर पे। बहुत ही इजी प्रोसेस है, अगर आपके पास कंटेनर वगैरह हो तो आप इजीली घर पे मोमो बना सकते हैं। यही है प्रोसेस मोमो बनाने की। एक्चुअली ये मोमो बहुत ही गर्म है, क्योंकि अभी अभी लेके आए हैं इनको गैस के ऊपर से। करते हैं मोमो एंजॉय, आप बने रहिए वीडियो के साथ, शेयर करेंगे आपके साथ और मज़ेदार वीडियो क्लिप्स। ये देखिए अब करता हूँ टेस्ट।
कैसे मोमो बने हुए हैं। सभी लगे हुए हैं मोमो खाने। ये देखिए, ये है हमारी सिस्टर का बेबी बॉय, जो कि चॉकलेट बहुत ही पसंद है इसको। ये देखिए कितनी बड़ी चॉकलेट लेके आए हैं इसके लिए, और ये इंजॉय कर रहा है। एक्चुअली सिस्टर ने मेरे साथ ये वीडियो शेयर की थी कि ये चॉकलेट का बहुत ही शौकीन है, तो इसके लिए लेके आए थे चॉकलेट। ये इंजॉय कर रहा है, देखिए। ये तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी मेरी पुरानी वाली, वो ज़रूर वॉच करें, और इस वीडियो को भी प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और कमेंट में बताएं वीडियो किस टाइप की लगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।